And welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all guys are doing good. If you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है लड़कियों के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी मेकअप ट्यूटोरियल और बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. और आप इस मेकअप को ऑफिस के लिए या फिर सिंपल सा गेट टुगेदर है, आप किसी के घर जा रही हैं या फिर कोई स्मॉल फंक्शन है घर पर, तो आप ये एथनिक लुक क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. स्पेशली ये कुर्ते और सिंपल सी पैंट और दुपट्टे के साथ ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप टू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करूँगी टोनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए. ये मेरे सारे ओपन पोर्स को बंद करके बहुत ही अच्छे फिनिश पे मेरे मेकअप को दिखाता है, जिससे बिल्कुल भी स्किन टेक्सचर्ड नहीं लगती है. उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी स्किनेला का मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र. इसे मैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके रब करके अपने फेस पे लगाऊँगी. आपको पूरे हाथों में रब नहीं करना है, नहीं तो ये आपके हाथों पे ही अब्सॉर्ब हो जाएगा और फेस पर नहीं लग पाएगा. आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगाएं और मसाज करें. उसके बाद मैं करूँगी अपना बेस रेडी फेस का. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन. इसे बस आपको एक पंप ही लेना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है. ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश में आपकी स्किन पे अप्लाई होता है. और इस पर मेरा शेड है 120 क्लासिक एवरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगता है. ये थोड़ा हाई कवरेज फाउंडेशन है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है और बहुत ही ज़्यादा आप गॉर्जियस लगते हैं. तो इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करना है एक ब्लेंडर से. तो याद रहे, आपको अच्छे से ब्लेंड करना, जितने ठीक तरीके से आप इसको ब्लेंड करेंगे, जितना टाइम लेके, उतना ही ज़्यादा इन्हांस करेगा ये आपकी स्किन को और बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिखाएगा. आपके सारे डार्क स्पॉट्स, सारे पिगमेंटेशन को छुपा देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोई भी दाग धब्बे फेस पर ना दिखें, अदरवाइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है. तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, अपने नेक एरिया में और कान में सारे पूरे फेस पर अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका नेक एरिया और आपका फेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा. तो आप कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगे. तो मेरा बेस अभी एकदम रेडी हो चुका है. ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो मैं कोई भी कंसीलर नहीं लगाऊंगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर. तो कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे स्किन पे स्वेट को रोकता है और बहुत ही ज़्यादा मैट फिनिश दिखाता है, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है. तो आप कुछ इस तरीके से डैप डैप करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए. अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी. तो कॉन्टोर के लिए मैं ये मेबलिन का पैलेट ले रही हूँ. तो आपका कॉन्टोरिंग ब्रश कुछ इस तरीके का होना चाहिए, आप देख लीजिए वीडियो में. और उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को लेके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कॉन्टोर कर रही हूँ. तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था, जो कि पूरा डिटेल में कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग के लिए है. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए उसको, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग के लिए. तो आप कुछ इस तरीके से अपने फेस को कॉन्टोर कर लीजिए और उसके बाद आपका फेस बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और स्लिम लगेगा. उसके बाद मैं इस कॉन्टोर के पाउडर को अप्लाई करूँगी अपने चिन एरिया में, जिससे अगर आपको कोई डबल चिन की प्रॉब्लम है तो वो भी छुप जाएगी और आपका मेकअप और ज़्यादा इन्हांस होकर दिखेगा. तो इसको मैं अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी, जिससे ये अच्छे से मेरे फेस को हाईलाइट भी कर दे. उसके बाद मैं नोज़ पे कॉन्टोर करूंगी अपने फिंगर से. मुझे लगता है कि नोज़ पे फिंगर से कॉन्टोरिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, जिससे आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है. तो कुछ इस तरीके से आप अपने नोज़ को कॉन्टोर और हाईलाइट कर लीजिए, जिसके वजह से आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने चीक बोन्स पे ब्लश. तो ये फिटमी का पीच ब्लश है. अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन है, यानी आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, तो आप प्लीज़ पिंक कलर का कभी भी ब्लश ना खरीदें, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है आपके फेस पे. तो आप अगर गोरे हैं या मीडियम फेयर स्किन है आपकी, तो आप हमेशा पीच कलर का लें और एक्स्ट्रा उसका प्रोडक्ट रिमूव करके ही अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करें. तो थोड़ा सा स्माइल करके अपने चीक बोन्स पे लगाना है, ताकि आपके चीक बोन्स पे राइट जगह पे अप्लाई हो जाए, जिससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीची लुक आए, ना कि आपका पिंकिश
पिंकिश डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए ब्लश होता है, तो आप अगर मीडियम टू फेयर स्किन टोन है आपका तो आप हमेशा पीच ब्लश लें, जिससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा आपको ये ब्लश लेना है और आप अपने चिन एरिया में भी अप्लाई कर लें, जिससे अच्छा सा एक शैडो इफ़ेक्ट आए और आपका चीक बोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे और आपका चिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अगर आपको जॉ लाइन में फैट है तो वो भी छिप जाए, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं लगाऊंगी आई शेडो, तो मैं ये कॉपर आई शेडो लगाऊंगी, जिससे मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा, मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस लगेंगी और बहुत ही नेचुरल लगेंगी। कोई भी एक्स्ट्रा आई शेडो मैं नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज़ ये डे लुक है तो मोस्टली मैं इसे बहुत ज़्यादा सिंपल इस लुक को रख रही हूँ, जिससे आप कुर्ती के साथ इसे ऑफिस में भी इस मेकअप को कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी नेचुरल लुक लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा ऑड लुक नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ये गोल्डन कलर का आई शेडो अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी, जिससे मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेंगी और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मेरी आईज़ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए और बिल्कुल भी ऑड ना लगे। तो अभी मेरा आई शेडो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। तो अब मैं अप्लाई करूंगी काजल, जो कि अगेन लैक्मी से है, तो ये कोल कलर्ड काजल है जो कि डीप ग्रीनिश है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मोकी लुक देता है, जो कि डे और नाइट पर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। तो मैं इसे बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करूंगी, ये स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है आपके आईज पे, बहुत ज़्यादा स्टे भी करता है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपके आईज को बहुत ज़्यादा स्मोकी लुक देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके आईज के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा आई शेडो और काजल बिल्कुल सेट हो चुका है और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं ये पेंसिल ले रही हूँ जो कि कलाबार से है, इसका शेड है ब्राउन कलर। तो अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टोन हैं तो आप कभी भी ब्लैक अपना आईब्रो पेंसिल ना लें, जो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा आपको आपके आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। तो आप इसे हल्के हाथों से पूरे अपने आईब्रोज़ पे फिल कर लीजिए। तो मैं ये आईब्रोज़ को अच्छे से अपने सेट कर लूँगी ब्रश से, जिससे मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस लगें और ये प्रोडक्ट पूरे आपके आईब्रो पे अच्छे से लग जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रश से इसको कोम कर देना है, जिससे आपके आईज बहुत ज़्यादा नेचुरल लगें, आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगें। तो अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, और हाईलाइट करने के लिए मैं मेबेलिन का ये हाईलाइटर पैलेट ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से हाईलाइट किया है, बट आपको अगर स्टिल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियो इसके लिए अलग से भी बनाया है। और इस तरीके से आपको पूरे फेस पर हाईलाइट करना है और ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिखाता है। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करने से थोड़ी देर पहले से ही लिप बाम लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे से मेरी लिप्स पे सेट हो जाए, जिससे मैं अपनी लिपस्टिक जब अप्लाई करूँ तो वो बिल्कुल मैट दिखे और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक जो कि मेबेलिन से है, इसका शेड नंबर है ऑरेंज 01। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही हाईली पिगमेंटेड लिपस्टिक है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने लिप्स पे लगाऊंगी और ये पूरे अच्छे से मेरी लिप्स पे सेट हो जाएगा। मैं अपने फिंगर से इसको पूरे अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा और बिल्कुल नेचुरल आपके रेडिश बहुत ज़्यादा ही नेचुरल लिप्स लगेंगे, ऐसा लगेगा कि आपके नेचुरल ही इतने प्यारे और रेडिश लिप्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो डे वेयर के लिए मैं इस लिपस्टिक को बस थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, जिससे बिल्कुल नेचुरल लुक लगे, ज़्यादा ऑड ना लगे। तो ये मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और लास्टली मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, जिससे मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा फ्रेश और नेचुरल दिखे। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा। तो ये मेरा पूरा मेकअप हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, कुछ भी ऑड नहीं लग रहा है। तो ये लुक कुर्ती के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, स्पेशली अगर आपने एथनिक पहना है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग मेरे फेस को दिखा रहा है। तो कुर्ती के साथ ये बहुत अच्छा मेकअप लगेगा,
आप छोटी सी झुमकी डाल दीजिए जिसकी वजह से आपका फेस और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।